शानदार बहुत खूबसूरत अंदाज से बच्चों ने परफॉर्म किया। अब बच्चे बहुत ही मुस्तहक हैं। Our goal is developing the skill of the students and vanish out the fear of stage and mic. In this regard, we try to provide opportunity to every student of the school. Now, brave girl of our school is going to deliver a speech in Urdu. Please welcome Miss Aksha. Muflisi isse latafat ko mita deti hai, bashar ko bashar ki auqat bulha deti hai. Aao usmani zubani bhi koi baat sune. रोज़ बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है, अपनी इज्जत के भरोसे की जो मजबूत कड़ी, आखिर एक रोज़ वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार, सर्दियों की टटरती हुई रात, मुँह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नामालूद बच्चे को हीरी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं, इस बच्चे की सिसकियाँ तुझे रुलाएगी नहीं, इसके चीखे तेरे कानों से टकराएंगे नहीं, तो कप कपाते हुए ऊँटों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है, मैं अपनी पेट की भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे की भूख से बिलकना मुझसे देखा न गया, तो इस पर ये कहना बजा बैठा है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार, माहिरीन कहते हैं कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार है। मैं उसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि जिस अखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, अखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर दूसरा नामी कार्टून अपने दो मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए, तो उसका असल मसला अखलाकियात नहीं मुआशियात है। दर्द चेहरा आंखें अंदर को दसीवी और बुढ़ापे की वजह से पूरी जिस्म में जरिया ली हुई नेशनल अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे की एवज खून भेजने वाले बुढ़ापा तो तब दिखाई देती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। दर्द चेहरा सदर आली वकार, तंगदस्ती भूख और अबतर माशी हाला अखलाकियात की जद है। पहले आप तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। 2 जमा 2 4 रोटियों के बजाय 2 जमा 2 4 में चरखा काटने वाले बुढ़ापा तो तब दिखाई देती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। फाकू ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकू ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज़ों रोटी लगी। ये थी मिस अक्सा जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अगर मुनासिब मुआशरत मुयस्सर हो तो इखलाक और इखलाकियात के दरस बेमाना रह जाती हैं। बात दिल को छू गई, मगर इखलाक के दामन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चियां अगर तौफ की दामन को तामे रखेंगी तो हमारा समाजी ढांचा किस तरक्की नहीं करेगा। अब हमें तौफ की जंजीरों को तोड़ना होगा और तरक्की की मंजिल तय करनी होगी।